मित्रों आज का हमारा ये पौधा है एडेनियम का। दोस्तों इसे डिजर्ट रोज भी कहते हैं। यह गर्मियों के सीजन का पौधा है। यह दोस्तों परमानेंट प्लांट है। इसकी बोनसाई भी बनती है। दोस्तों आज हम इसी पौधे की रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं। इस पौधे के लिए जो सबसे बढ़िया सीजन है दोस्तों वह मार्च अप्रैल मई जून जुलाई तक जो है ये पौधा बहुत तेजी से ग्रोथ भी करता है और फ्लॉरिंग भी करता है। तो दोस्तों अप्रैल का महीना चल रहा है, हम इसी महीने में अपने इस पौधे को लाए हैं जिसकी हम रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों नमस्कार, आप सभी का मेरे हरे भरे आरवी गार्डन में स्वागत है। दोस्तों आज हम डिजर्ट रोज को लेकर के आए हैं जिसे एडेनियम भी कहते हैं। मित्रों आप लोग इस तरह से पौधे तो खरीद लाते हैं नर्सरी से, लेकिन सही तरीके से रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं। रिपोर्ट ना कर पाने की वजह से दोस्तों इसमें फंगस लगती है और इसकी जड़ में जब फंगस लगती है तो रूट रॉट का शिकार हो जाता है और भी बहुत सी चीजों का शिकार होता है जिसकी वजह से आपका पौधा आपके घर में चल नहीं पाता है। तो दोस्तों जिस तरह से मैं रिपोर्टिंग करने जा रहा हूं आप उसी तरीकों को अपनाइए, उसी प्रोसेस को अपनाइए, तो दोस्तों आपका पौधा भी जो है आपके घर में अच्छी फ्लावरिंग इस तरीके से देगा। तो आइए दोस्तों रिपोर्टिंग करना प्रारंभ करते हैं। रिपोर्टिंग के लिए सबसे पहली चीज जो लेनी होगी वह आपके गमले के सिलेक्शन के बारे में होगी। दोस्तों आपको एक छिछला सा गमला इस तरीके का आम लेना है, चाहे वो मिट्टी का हो या फिर आप सीमेंट पोट ले सकते हैं, लेकिन हो छिछला, क्योंकि इसकी जड़ें जब ज्यादा अंदर जाएंगी तो दोस्तों अंदर चली जाएंगी तो फंगस लगने का चांस होता है। क्योंकि ऐसा अगर गमला लेंगे आप तो इसमें बोनसाई लुक दिखाई देगा। तो इस तरीके से यह भी सुनिश्चित करिए कि इसके अंदर इस तरीके से देखिए ज़्यादा ड्रेनेज होल बने हुए हैं। ज़्यादा ड्रेनेज होल बने रहने से फायदा ये होगा कि दोस्तों इसके अंदर पानी रुकेगा नहीं। यदि पानी नहीं रुकेगा तो आपका पौधा ग्रोथ करता रहेगा। अगर पानी रुक गया तो किसी कारण से तो आपका पौधा जो है वह निश्चित रूप से मर जाएगा, आप उसे बचा नहीं सकते हैं। दोस्तों इस तरह से दीपक के कुछ टुकड़े लेने पड़ेंगे ताकि आप इस ड्रेनेज होल को कवर कर दें और दोस्तों इसमें से फिर मिट्टी बाहर नहीं जाएगी, पानी केवल बाहर निस करके जाएगा। तो इस तरीके से आप सभी लोगों को अपने अपने गमलों की इस तरह से सुराखों को कवर कर देंगे। हमने पोट तैयार कर लिया दोस्तों, अब हम मिट्टी बना लेते हैं। हम जो है आपको परसेंटेज बता दे रहे हैं कितनी कितनी परसेंटेज क्या क्या लेनी है। तो दोस्तों आपको सबसे पहला जो लेना है वह 50% आपको सैंड लेना है, कोर सैंड जो कि मटेरियल बिल्डिंग मटेरियल की दुकान से मिलेगा आपको। और इसके बाद दोस्तों आप इसमें 30% बर्मी कंपोस्ट मिलाएंगे बढ़िया वाली, और इसके बाद दोस्तों 20% इसमें आप गार्डन सॉइल मिला देंगे। इस तरीके से हमारा ये 100% हो जाएगा। इसके अंदर दोस्तों एक मुट्ठी आपको बोन मील मिलाना है, क्योंकि बोन मील इस पौधे को बहुत ज़्यादा पसंद है, इस एडेनियम के पौधे को। तो दोस्तों एक मुट्ठी फिर आप इसमें नीम खली पाउडर मिलाएंगे ताकि इसमें फंगस न लगे। इसके बाद दोस्तों 8-10 दाने आप इसमें DAP के भी डाल देंगे ताकि फास्फोरस की मात्रा इसको भरपूर मिले, इसकी जड़ों को डेवलपमेंट करने के लिए, विकास के लिए। और दोस्तों इसके बाद आप एक चम्मच इसमें ट्राइकोडर्मा भी मिला देंगे। इस तरीके से इस सारे मिक्सचर को हमने मिला करके रख रखा है, आप भी इस तरीके से मिला करके बना लीजिएगा। इसके हम सॉइल मिक्सचर को अपने गमले में भर लेते हैं, आप लोग भी इस तरीके से भर लीजिएगा। ये हमने भर लिया, इतने ही भरिएगा आप, ज़्यादा ना भरें। अब दोस्तों हम अपने इस पौधे पर आ जाते हैं। इस पौधे को इस गमले से जो छोटे गमले में नर्सरी वालों ने दिया है दोस्तों, इसको बड़ी सावधानी पूर्वक निकालना है। तो हम इसको थोड़ा सा इस तरह से ठोकेंगे, देखिए ये दोस्तों निकल आया। मित्रों नर्सरी वालों ने इसमें जो है कोकोपीट और बर्मी कंपोस्ट तथा दोस्तों इसमें परलाइट मिला करके सॉइल मिक्सचर तैयार करके इसमें इन्होंने लगाया था। हमारी जो सॉइल मीडिया है दोस्तों वह मिट्टी की है, हम इसको मिट्टी में रिपोर्ट करने जा रहे हैं, लेकिन हम इस जड़ों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसी तरीके से हम इस पर नाप करके देख लेते हैं। देखिए ये बिल्कुल सही स्थान पर है दोस्तों, सेंटर में भी है। इसी तरीके से हमको इसको लगाना है और अब हम इस खाली स्थान को मिट्टी से भर देंगे। मिट्टी हमने ऐसी बनाई है दोस्तों जिसमें हमने 50% सैंड लिया है। 50% सैंड लेने से इसमें पानी बिल्कुल रुकेगा नहीं, जैसे इनका नर्सरी वालों का ये पानी नहीं रुक रहा था इस छोटे से पोर्ट में हमने तैयार कर रखा था, उसी तरीके से हमने ये पोर्ट बनाने की कोशिश की है और इसमें पानी बिल्कुल ही नहीं रुकेगा। तो दोस्तों अब हम
इसके चारों तरफ मिट्टी को लगा देते हैं। दोस्तों इस तरीके से हमने ये भर दिया। देखिए ये हल्का सा हमारा पौधा टेपर में है, इसकी वजह से हम ये थोड़ा सा पत्थर जो है इसके नीचे इस तरीके से लगा देंगे ताकि हवा अगर मारती है दोस्तों तो ये इस तरीके से गिरे ना। यहाँ पे ये हमारा लग गया दोस्तों। अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। मित्रों देखिए हमने पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद देखिए ये बिल्कुल गमला ऊपर से सूख गया है और नीचे देखिए दोस्तों पानी गिरता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए इस तरीके से ये पानी गिर रहा है, इसका मतलब हमारी मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन्ड है और इसमें पानी किसी भी हालत में नहीं रुकेगा। और इस तरीके से यदि आप भी अपने गमले में मिट्टी बना करके इस पौधे को लगाएंगे तो कभी भी आपका पौधा मरेगा नहीं। ये दोस्तों बेस्ट तरीका है सॉइल मीडिया में इस एडेनियम के पौधे को रिपोर्ट करने का। इस एडेनियम प्लांट को हम बोनसाई लुक देना चाह रहे हैं, इसलिए दोस्तों हम इसको जरा सा सजा भी देंगे। ये हमारे पास जो है ये सफ़ेद पत्थर है, देखिए इससे हम थोड़ा सा इसको इस तरीके से सजा देंगे तो और भी खूबसूरत लगने लगेगा। दोस्तों जब तक हम इसमें पत्थर ये लगा रहे हैं तब तक इसके जो कुछ केयर टिप्स हैं मूलभूत उनके बारे में भी जान लिया जाए। तो आइए दोस्तों सबसे पहली केयर टिप्स है कि आपको इसको 8 घंटे की धूप में रखना आवश्यक है। लेकिन चूंकि दोस्तों अगर आपके यहाँ टेम्परेचर 45 से 46 47 डिग्री तक जा रहा है तो उस समय आप दोपहर की धूप से इसको बचाएंगे, नहीं तो आपका जो फ्लावर है वह फ्लावर मुरझा जाएगा, बर्न भी हो सकता है। तो दोस्तों दोपहर की धूप से थोड़ा सा बचाइएगा। और दूसरी चीज़ है दोस्तों इसमें पानी आप तभी डालें जब ऊपर की मिट्टी आपको सूखी दिखाई दे, लेकिन आप जो है ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करेंगे। और जो है दोस्तों अगर ओवर वाटरिंग करते हैं तो दोस्तों आपका पौधा मरने की स्थिति में आता रहेगा। तो दोस्तों आपको हर हालत में ओवर वाटरिंग नहीं करना है जिससे आपके जड़ों की इस पौधे की जड़ों की फंगस ना लगे। इसके बाद बारिश का मौसम आने वाला है, इसलिए बारिश में दोस्तों इस पौधे को बारिश में मत रखिएगा। बारिश के पानी अगर इसके ऊपर पड़ेगा तो दोस्तों इसमें जो है इसके ऊपर फंगस लगने के चांस रहेंगे और पानी रुकने का भी चांस रह सकता है। इसलिए आप दोस्तों इसको पानी में मत रखिएगा, बारिश में इस तरीके से इसको आप बचाने की कोशिश करिएगा। इसके बाद दोस्तों हम जाड़े की भी कुछ केयर टिप्स इसकी जान लेते हैं। जाड़े में दोस्तों चूंकि यह डोरमेंसी में चला जाता है, ये कोई ग्रोथ नहीं करता, अपनी सारी पत्तियां गिरा देता है। लेकिन दोस्तों आपको इस पौधे में खाद पानी थोड़ा बहुत देना ही चाहिए, देते रहिएगा। साथ में दोस्तों इसको जो है ओस और पाले से अवश्य बचाइएगा, नहीं तो दोस्तों हो सकता है कि इसमें फंगस पकड़ ले। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ऐसी जगह रखिएगा जहाँ ओस और पाला ना पड़ सके। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप रिपोर्टिंग करते हैं इस पौधे की तो दोस्तों रिपोर्टिंग करने का सबसे बढ़िया समय जो है वह फरवरी और मार्च का है। इसमें जो है ये पौधा बहुत अच्छा ग्रोथ करता है। और दोस्तों जाड़े में आप इसकी कभी भी रिपोर्टिंग ना करें क्योंकि इसमें फंगस लगने के चांस होते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से यदि आप इस पौधे को लगाएंगे और इसकी केयर करेंगे तो ये पौधा जो है आपको सालों साल फूल देता रहेगा, केवल 3 महीने जाड़ों के छोड़ करके। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी ये आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो दोस्तों आप इससे संतुष्ट हुए हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए तथा दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस जानकारी का फायदा उठा सकें। और दोस्तों मेरे इस चैनल को बिल्कुल ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।